Hi everyone, this is Ashish and you are watching E-Classes by Sid Chutelal Academy, RAT. Hi everyone, our next topic is scientific notation. In my previous video, I told you about the exponents and powers and law of exponents. Today we are going to read how to express the numbers in scientific notation. But before that we need to learn that what is scientific notation. Ye dekhiye, scientific notation. Isme ek number dikhaya gaya. The width of the Milky Way galaxy from edge to edge is about 9460000000000000 kilometers. So if this number is written like this, another way to like this number is in scientific notation as a product of two factors. One factor is a number between 1 and 10. The second factor is a power of 10. For the first factor, move the decimal point to the left as many places as it takes to get a number between 1 and 10. Here you can see, if the number is written like this, अगर number ऐसे लिखा हुआ है हमारा, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज कि जब हम किसी number को scientific notation में लिखना चाहते हैं, तो उसके दो factor होते हैं. पहले factor में 1 and 10 के बीच में number लिखे रहते हैं, 1 से 10 के बीच में. 1 से 10 के बीच में जो number लिखे रहते हैं, उसमें हम 1 से लेके 9 तक के whole numbers में उसको number को रखते हैं. और उसके बाद जब हम दूसरा पार्ट देखते हैं, उसका दूसरा फैक्टर देखते हैं, तो उसमें जो भी नंबर आते हैं उसमें 10 की पावर लगी होती है. जैसे यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर है इसको अगर हम शॉर्ट कर दें तो हम ये नंबर्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. जब 9 को हम फर्स्ट पार्ट की फॉर्म में लेंगे एज ए होल नंबर, तो यहाँ पर 9 के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा. यू कैन सी इट हियर 9.46. रेस्ट ऑफ द जीरोज आर यूजलेस, तो बाकी के जीरोज हमने हटा दिए हैं. अगर इन जीरो के बाद कोई नंबर हमको यहाँ पे भी मिलता या इस साइड पे भी मिलता, तो हम उन नंबर्स को लेकर के चलते. बट हमको यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा. और आपने पहले भी पढ़ रखा है कि जब डेसीमल लगता है तो आफ्टर डेसीमल द जीरोज ऑफ राइट मोस्ट साइड और द जीरोज ऑफ लेफ्ट मोस्ट साइड आर यूजलेस, तो हम उनको हटा देते हैं नॉर्मली. तो हमने केवल नंबर तक रखा है, नॉन जीरो नंबर तक, 9.46. यू कैन सी इट हियर. ये हमारा बन गया फर्स्ट फैक्टर. अब सेकेंड फैक्टर के लिए 10 की पावर्स का इस्तेमाल करेंगे. वी हैव रेड इट हियर, द सेकेंड फैक्टर इज ए पावर्ड ऑफ 10. तो पावर ऑफ 10 में हम कितना रखेंगे, ये हमको डेसीमल का पोजिशन बताता है. आफ्टर द डेसीमल We have 17 places here. तो हम यहाँ पर 10 की पावर 17 रखकर उसको किलोमीटर में शो कर देंगे. तो ये हमारा नंबर जो लिखा हुआ था, ये नंबर हमारा अब बन जाएगा 9.46 into 10 to the power 17 kilometer. Now it is easy to understand and also easy to learn. जैसे ये नंबर दिया गया है, मैं आपको इसमें एक और चीज बता देता हूँ. ये कंप्लीट करने के लिए दिया गया है. अब आप 5 के बाद जब पॉइंट लगाएंगे तो डेफिनेटली यू आर हैविंग 1 2 3 4 5 6 7 सेवन प्लेसेस आफ्टर द डेसिमल. सो वी विल राइट हियर 10 टू द पावर 7. अपना नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म. इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. देखिए, इसमें कोई नंबर जब हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिया जाता है तो उसको हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बताते हैं, वो लिखा हुआ है 1.52. इफ द नंबर इज गिवन एज 1.52 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8, तो इसका मतलब हुआ कि 10 टू द पावर 8 का मल्टीप्लाई इस नंबर में हमें करना है. एग्जैक्टली व्हेन वी मल्टीप्लाई वी विल गेट दिस नंबर. अब इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं, यू कैन सी दैट इफ वी आर हैविंग फर्स्ट फैक्टर 2 डेसिमल प्लेसेस, अगर हमारे फर्स्ट फैक्टर में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो हम उसको क्या करेंगे. जैसे 5.2 यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो 2 डेसिमल प्लेसेस हम 2 को इस पावर 8 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास बचती है पावर 6. यानी ये नंबर हमें लिखना है 1.52
और उसके बाद हमें 6 zeros इनपुट कर देने हैं, तो ये नंबर हमारा जो है वापस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाएगा। यहाँ पे भी आपको ऐसे ही दिखाया गया है 1.52 मल्टीप्लाई 10 to the power 8। अब 10 to the power 8 का मतलब हमारे पास हो गया कि हमको 8 जीरोज़ नहीं यहाँ पे मेंशन करने हैं, बिकॉज हमारे पास नंबर में ऑलरेडी हमारे 2 डेसिमल प्लेसेस थे, तो उन डेसिमल प्लेसेस के बिहाव पर हम यहाँ से 2 रिड्यूस कर देते हैं और हमारे पास पावर बचेगी 6, तो हम 6 जीरोज़ का प्लेसमेंट कर देंगे, तो हमारा नंबर बनेगा 1520000000। सो दिस इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए नंबर। मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझा देता हूँ। जैसे ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 multiplied 10 to the power 5। अब यहाँ पर हमारा कोई डेसिमल नंबर नहीं है, तो हम इसमें 6 के आगे 5 जीरोस बढ़ा देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ 1 डेसिमल प्लेस है, तो 10 की पावर 3 में से एक माइनस करेंगे 2, यानी 7 और 4 लिख करके हम जब 2 जीरोस को आगे इंक्रीज कर देंगे तो वो नंबर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। सो ये आपका कम्प्लीट चैप्टर था। अब इस कम्प्लीट चैप्टर के बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से मिलेगा। आप ये जो 5C एक्सरसाइज आप देख रहे हैं और इस चैप्टर का मेंटल मैथ और चैप्टर असेसमेंट, वो आपको लगा के रखना है। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क द क्वेश्चंस इन स्कूल पोर्टल। अगर आप स्कूल के पोर्टल पे लिख नहीं पा रहे हैं, टाइप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फोटो खींच करके भी अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो कोई क्वेरी अगर आपकी जैसे बनती है तो तुरंत उसका आंसर ले लीजिए, बट अपना काम को कंप्लीट करते हुए चलिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आपके पीरियोडिक टेस्ट शुरू हो जाएंगे नेक्स्ट वाले, और उसमें ये सारे चैप्टर्स इंक्लूड किए जाएंगे। So children, take care of yourself and your family. Bye.